वायरस की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया। कोरोना की दूसरी लहर से जब हम उभर रहे हैं, तभी कोरोना वायरस एक नए प्रारूप में हमारे सामने आ गया है। साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे भी तेज इसके संक्रमण करने की क्षमता है। अब तक दुनिया के 23 देशों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। गनीमत है कि अभी तक भारत में संक्रमण का कोई मरीज नहीं है। अमेरिका समेत तमाम देशों में लाख कोशिशों के बावजूद इसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस वेरिएंट की चिंता भारत में भी दिखाई देने लगी है। देश में कमजोर होती महामारी के बीच सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसीलिए 15 दिसंबर से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की योजना पर ब्रेक लग गया है। केंद्र ने इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए नए गाइडलाइन जारी किए हैं। साथ ही कई राज्यों ने घरेलू यात्राओं के लिए भी नियमों को सख्त कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों पर निगरानी की जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू की गई देशव्यापी पाबंदियों को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कुछ राज्यों ने भी ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए रोकथाम के लिए कुछ नए आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और सेल्फ क्वारंटाइन RT-PCR टेस्ट, इसके बाद स्वैब के सैंपल को टेस्ट के लिए भेजना होगा ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संक्रमण है या नहीं। अगर होता है तब सभी पॉजिटिव सैंपल में से कुछ को लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग करने वाली लैब जांच करेगी। अगर सैंपल में sgna मिसिंग है, यानी आपको ओमिक्रॉन का संक्रमण हो चुका है। ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी और हल्का बुखार, ये ओमिक्रॉन संक्रमण के लक्षण है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये संक्रमण 40 से कम उम्र वाले लोगों में हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के 30 से ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं, यानी कथित तौर पर वहां से निकले उस वेरिएंट से कई गुना अलग है। अभी तक ज्यादातर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में बाहरी परत में बदलाव हुआ है, स्पाइक प्रोटीन में बदलाव हुए हैं। इसी परत को कमजोर करके कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई गई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जरूरी नहीं है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में sgna गायब ही हो, लेकिन इसकी जांच के लिए पूरे जीनोम सिक्वेंसिंग की जरूरत होगी, जो अभी तक किसी भी देश में नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट में sgna मौजूद था, लेकिन ओमिक्रॉन में sgna मौजूद नहीं है। अब तक सबसे ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। आपके मन में sgna को लेकर सवाल उठ रहा होगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिक जीनोम सिक्वेंसिंग के दौरान सबसे ज्यादा जिन 3 जिन का अध्ययन करते हैं वो है स्पाइक, न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेलप। इन जिन के जरिए ही वेरिएंट का पता लगाया जाता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि अब RT-PCR जांच कराते आए हैं, उससे क्या होता है? आपको बता दें कि RT-PCR जांच में वैज्ञानिक 3 जीन्स यानी S, N और E पर जांच करते हैं। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन की वजह से RT-PCR जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। RT-PCR टेस्ट के जरिए कोरोना के 12 वेरिएंट की जांच होती है। तो आप भी सावधानी रखिए और अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।